दोस्तों नमस्कार, बात करते हैं मेडिकल प्रोफेशनल के लिए कुछ वैकेंसी निकाली गई हैं प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड के द्वारा। तो चलिए देख लेते हैं दोस्तों, वीडियो से जुड़े रहें। देखिए दोस्तों, जैसे ही हम इसकी वेबसाइट में आते हैं इस प्रकार से इसका पेज अपने सामने ओपन होता है। अब हम यहाँ से चाहे तो इंग्लिश वाले पेज में या हिंदी वाले पेज में, दोनों में जा सकते हैं। तो चलिए हम किसी एक में क्लिक कर लेते हैं दोस्तों। जैसे हम क्लिक करते हैं तो अपने सामने इस प्रकार से इसका नवीन सूचनाएं आ जाती हैं। यदि आपको देखना है तो आप मोबाइल से भी देख सकते हैं। और आपके जो लेफ्ट साइड में है, चलिए आपको दिखा देता हूँ लेफ्ट साइड में क्या क्या है। तो दोस्तों, जैसे आप लेफ्ट साइड में आते हैं, यहाँ पे परीक्षा कार्यक्रम में क्लिक करते हैं तो अपने सामने इसका नोटिफिकेशन एग्जामिनेशन शेड्यूल आ जाता है, जो आप स्क्रीन में देख रहे हैं। ये दिखा रहा है आपका 2021 का। अब यहाँ पे जैसे आप स्क्रॉल करते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे सारी जो भी इसके द्वारा एग्ज़ाम शेड्यूल कराई जाती है वो सभी दी गई है, आप देख सकते हैं। किसी भी प्रकार के एग्ज़ाम है जो मध्य प्रदेश के हैं, और ख़ासकर जो मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पर बात कर रहा हूँ ग्रुप 5 की समूह 5 भर्ती परीक्षा 2020 के। अब दोस्तों, यहाँ पे 2020 के का मतलब ये है कि जो 2020 में एग्ज़ाम हुई थी उसको निरस्त कर दिया गया था और उसको फिर से रिशेड्यूल किया गया है। तो उसके रिगार्डिंग ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराई जाएगी, जो कि आपकी एग्ज़ाम होगी 23-24 दिसंबर 2021 की होगी दोस्तों। और उसके लिए नए अपडेट देखने के लिए आप दोस्तों यहाँ पढ़ सकते हैं, नोट में क्या बता रहा है कि दीज डेट आर टेंटेटिव, मतलब ये संभावित तारीख है, एग्ज़ाम है, जो एग्ज़ाम कराई जाएगी वो संभावित है, हो सकती है, आगे पीछे भी हो सकती है। द एग्जामिनेशन डेट विल बी फाइनलाइज आफ्टर द अप्रूव फ्रॉम द कंसर्निंग डिपार्टमेंट। अब यहाँ पे ये बताया जाता है कि जब मेडिकल डिपार्टमेंट द्वारा अप्रूव दिया जाएगा तब कंफर्म डेट होगी, पर जो टेंटेटिव डेट है दोस्तों ये बताई गई यहाँ पे 23-24 दिसंबर 2021 को। अब दोस्तों इसका चलिए नोटिफिकेशन देख लेते हैं थोड़ा और। दोस्तों ये आर्डर वाला पेज मैंने ओपन कर रखा हूँ। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं जो मैं समूह 5 की बात कर रहा हूँ, जिसमें हायर सेकेंडरी 10+2 से उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के लिए है। और कुल प्रश्न पत्र में एक प्रश्न पत्र होगा और कुल अंक होंगे 100 अंक का होगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने एरो का निशान हाईलाइट कर रखा हूँ। तो दोस्तों आप देख सकते हैं क्या क्या पोस्ट है। सबसे फर्स्ट में बताया गया है लैब टेक्नीशियन की है चिकित्सा, दूसरा है पशु सहायक चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी, फिर है नर्स, स्टाफ नर्स, लैब असिस्टेंट और लैब अटेंडेंट, रेडियोग्राफर, ड्रेसर, सहायक स्टीवर्ड, ईसीजी टेक्नीशियन, मॉडलर, फिजियोथेरेपिस्ट, फार्मासिस्ट, एनएम, दाई एवं सभी प्रकार के अन्य समकक्ष परीक्षा संभाग एवं समकक्ष पद। तो इतने पोस्ट के लिए एग्ज़ाम होगी दोस्तों, और एग्ज़ाम जो होगी 23 और 24 दिसंबर को, जैसा कि मैंने पहले आपको बता दिया हूँ। और इसमें जो ज्ञान क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसमें सामान्य ज्ञान के तौर पे आपसे पूछा जाएगा, हिंदी भी पूछी जाएगी, इंग्लिश कुछ शब्द रहेंगे इंग्लिश के बारे में, सामान्य गणित भी रहेगा, सामान्य विज्ञान रहेगा आपका, और सामान्य अभिरुचि तकनीकी ट्रेड पर आधारित प्रश्न होंगे। दिनांक 9/2/2017 में संशोधन परीक्षा आयोजन प्रणाली है दोस्तों। ये रिमार्क जो दिया है ये आपको पढ़ना रहेगा, इसका अपडेट यदि हमको मिलता है तो हम ज़रूर आपको शेयर करेंगे। तब तक के लिए दोस्तों प्लीज़ लाइक करके रखें, सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर कर दें दोस्तों को। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। थैंक यू दोस्तों।